साइकिल क्यों उठा के फिर रहे हो? हमें बस्ती वालों ने निकाल दिया है पागल समझ के, हम काम के सिलसिले शहर जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बैठ के जाओ, इसके टायर घिस जाएंगे और चैन भी इसकी टूट जाएगी, इस वजह से हम इस पे नहीं बैठ के जा रहे। तो ये सच में पागल है, मुझे इनसे अपना काम करवाना पड़ेगा बड़ा सा। तो मैं काम बताता हूँ, आप शहर ना जाए, आप ये काम करो मेरा, ठीक है? काम एक शर्त पे करेंगे, शर्त ये है आप हमें पागल न बुलाया करें। अगर आपने हमें पागल कहा हम काम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, नहीं कहूँगा, मगर ये आपने मोटी मोटी चादर को पहने हुए, इतनी गर्मी है। अबे हमने अखबार में वीडियो देखी है, हमारे पड़ोसी मुल्क मरी में बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से हमने ये गर्म कंबल पहनी हुई है। मरी में पड़ रही है, तुमने यहाँ कंबल पहना हुआ है? वहाँ मरी में सर्दी आ गई है तो यहाँ पर आने में देर नहीं लगेगी। अबे यहाँ पे सर्दी नहीं आने वाली, आप ये कंबल उतारो, मेरे साथ चलो। ठीक है, ठीक है फिर चलते हैं। ये लो। ये मेरा भाई है, ये मजदूर है, इसका ख्याल करना, इसके ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देना आपने। क्या मैं इसके ऊपर कुत्ता भी नहीं बैठने दूंगा? वो क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा ठीक है, अपना काम करो। तुझे जब प्यास लगे ना मुझे बता देना, मैं तेरे लिए कोक ले आऊंगा, तू भी पीना और हम साथ अकेले पिए। आपने ये मेरे प्लाट का ख्याल करना है, ठीक है? इंसानों से लेकर कुत्तों तक इधर कोई भी नहीं है। नहीं आएगा जी। अबे काम कर, मुझे पानी पिला। ठीक है मालिक। ये ले मालिक। अबे कुत्ता अपने पानी पीता है? बे हट साले, तेरी जॉब का बड़ा मालू, तू बैठ। अबे मेरे भाई को क्या आ गया, उसे कोई मार रहा है, भागो। अरे पागल हो गया, मेरे भाई को मार दिया। अरे ससुरे कर दिया ना पागलों वाला काम, पकड़ो इसको। मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? चुप कर बे मंडे, बड़ा तू रहम दिल बनता है, इसको भी मारो, उसको भी लगा।